दूध का बड़ा महत्व होता है श्राद्ध में, तो आइए बनाते हैं स्वाद और सेहत का खजाना दूध पा। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, कलर, टेक्सचर मस्ट ट्राई रेसिपी है, घर में सभी को बेहद पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में जो बेल आइकन है उसे दबाएं ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बासमती राइस लिए हैं, जिसे मैंने 3 से 4 बार पानी में धोकर ले लिया है। अब इसमें हम पानी डालकर 10 मिनट का रेस्ट दे देते हैं, 10 मिनट भिगो के ले लेते हैं। बासमती चावल लेने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इस दूध पाक में। अब हमें दूध का प्रोसेस करना है, दूध को उबालना है, तो उसके लिए हमें हैवी बॉटम वाला बर्तन चाहिए। आप नॉन स्टिक कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मैं 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क ले रही हूँ। दूध पाक बनाने के लिए फुल फैट मिल्क का ही इस्तेमाल करें। और अब इसमें एक उबाल आने देते हैं पहले। तो ये देखिए दूध में उबाल आ गया है, उसे हिलाना शुरू करेंगे। ठीक है, एक बार इसे हम इस तरह हिलाकर ले लेते हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि नीचे बर्तन के बॉटम में ये चिपके नहीं। तो एक उबाल आने तक मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता उसके स्लाइसेस करके ले लिए हैं। और अब यहाँ पे जो चावल हमने 10 मिनट के लिए भिगो के रखे हैं उसमें से ये पानी निकाल लेंगे। छन्नी की सहायता से मैंने इसमें से पानी निकाल दिया है, और अब इसके ये चावल हम इसमें मिला देंगे। बीच बीच में हमें इसे हिलाते रहना है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि दूध को हमें रिड्यूस करके ले लेना है, और जो चावल हमने इसमें डाले हैं वो इसी में हमें पकने देना है। तो ये प्रोसेस हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे, और साथ ही में हम इसमें केसर मिला देते हैं, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट और बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आ जाएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अब इसमें जो चावल है वो ऑलमोस्ट पकने आ गए हैं, तब हम इसमें चिरौंजी मिला देंगे। ये 1.5 टेबल स्पून चिरौंजी है, तो ये भी साथ में सॉफ्ट हो जाएगा, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है इसमें। चलिए अब इसमें शक्कर डालनी बाकी है, तो उसके लिए हम पहले चेक कर लेते हैं ये चावल हमारे पक चुके हैं या नहीं। तो उसके लिए हम चावल को इस तरह से हाथ में लेकर इसे दबाकर चेक करके ले लेंगे। ये देखिए अच्छे से ये स्मैश हो रहा है, तो इसका मतलब है ये चावल हमारे तैयार है, और अब हम शक्कर इसमें मिला सकते हैं। तो इसमें हम मिला देते हैं 1/3 कप शक्कर, करीबन 5 से 6 टेबलस्पून शक्कर मैंने डाली है। तो बस ये ध्यान रखना है कि जब चावल हमारे पक जाए उसके बाद ही शक्कर डालें, नहीं तो चावल को टाइम लगेगा पकने में। इसे मैं ट्रेडिशनली ही बना रही हूँ, इसे बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस मिल्क का मैं ये बना रही हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट ये बनता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पर इस तरह हिलाते हुए, कंटिन्यूस हिलाते हुए पका लें। अगर टाइम नहीं है तो इसे लो फ्लेम पर ही पकने दें। चलिए अब इसमें चावल भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं, शक्कर भी इसमें मिल गई है, और साथ ही में आप दूध का कलर भी देख सकते हैं कितना चेंज आ गया है इसमें, और दूध भी आधा हमने रिड्यूस करके ले लिया है। अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स की कतरन या स्लाइसेस, या उसे बारीक काट कर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काजू, बादाम और पिस्ते लिए हैं, करीबन 2-2 टेबलस्पून जितने, तो वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। और साथ ही में हम मिला देंगे जायफल, थोड़ा सा जायफल हम इसमें इस तरह से घिस कर डाल देंगे, इससे इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। फ्लेवर के साथ साथ इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया आती है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें घिस कर डाल दिया है। साथ ही में इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलिशियस ये दूध पाक बनता है। इसे 2 से 3 मिनट और पका कर ले लेते हैं। अब इसका टेक्सचर मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए इसे है ना, मैंने ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा है, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडा होगा ना तो ये गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप गरम सर्व करने वाले हैं तो इसे और थोड़ा गाढ़ा करें और उसके बाद सर्व करें। मैं इसे ठंडा करके सर्व करने वाली हूँ, तो मैंने इसे ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए,
क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। तो फिलहाल हम गैस ऑफ कर देते हैं। अब इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके ले लिया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए। अब चाहे तो इसे और ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख कर उसके बाद सर्व करें। पूरी और आलू की सब्ज़ी के साथ तो ये बहुत ही बढ़िया लगती है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।